करमवीर आजाद साहब, आपने सुना कि अब तो पार्टी के जो नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि जो बहन जी ने जो किया वो ठीक ही किया, आमतौर पर कहते भी हैं। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ये कहते हैं कि आप लगातार बहुजन समाज के लिए काम करते रहे, दलित चिंतक के तौर पर आपको जाना जाता है। तो जो मिशन काशीराम का था, आपको लगता है वो कंप्रोमाइज हुआ, क्योंकि तिलक तराजू और तलवार से लेकर के हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक का सफर, और उसके बाद परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाते उठाते अब परिवारवाद की तरफ रुख, तो क्या ये माना जाए कि जो काशीराम का मिशन था वो पूरी तरीके से अब कॉम्प्रोमाइज हो चुका है? मानस भाई, दरअसल आप एक चर्चा बहुत बार करते हैं और मैं समझता हूं कि जिस विषय पे आप कहते हैं तिलक तराजू और तलवार इनको झूठे मारो चार का जो बयान था, मानस भाई आज भी हम जूते खा रहे हैं। आपको मतलब उनको कहने भर से इतनी तकलीफ हो गई, आज भी हमारा समाज जो पीड़ित शोषित वंचित वर्ग है आज भी जूते खा रहा है। आप उनके दिल से पूछिए ना मानस भाई कि किस तरीके से। मैं एक सामान्य बात करता कि करमवीर आजाद जी, कि क्या आप काशीराम का मिशन कंप्रोमाइज हुआ है? नहीं नहीं, नो डाउट ऐसा। देखिए मानस भाई आपका कहने का भाव नहीं, आपके कहने का भाव जो है मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैं ये सोच के आया था कि अगर उस मुद्दे की आपने बात करी तो मैं वो ये जवाब जरूर दूंगा। लेकिन खैर, बहरहाल मेन मुद्दे पे आते हैं, जिस बात को आप जानने का प्रयास करते हैं और जिस स्वामी जी कुछ कह रहे थे सुन लेते हैं, आपसे ही शायद कह रहे हैं वो। जी प्रमोद जी, मैं एक विनम्रता पूर्वक अनुरोध आपसे करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि ये आज भी अगर जूते खा रहे हैं जैसा कि आप कह रहे हैं, सवाल ये है कि उसमें कहीं ना कहीं काफी सुधार हुआ है मिशन की वजह से ही, आप लोगों के एक्टिव होने की वजह से। दूसरी बात ये है कि सवाल ये नहीं है कि हाथी ये जो जूते खाने की बात है, तीर तराजू और तलवार, सवाल ये है कि इस समय बात ये हो रही कि क्या कथनी और करनी में, मिशन में मानस जी का आशय यह है कि कथनी और करनी में फर्क आया है या नहीं आया है, तो ये विशेष बात है। नहीं, मैं गोस्वामी साहब मैं इनकी भाव को समझ गया हूँ, मैं उसी का जवाब दे रहा था, लेकिन चूंकि ये कई बार ये बातें आती है और मैं आपको याद दिला, गोस्वामी साहब एक मिनट मेरी बात सुनिए। अभी हाल ही की आपके बांदा की वो है, आपको पता होगा बांदा में एक अनुसूचित जात को हैंड पाइप से पानी पीने के लिए उसके पिताजी को इतना मारा जाता है कि वो व्यक्ति गांव छोड़ करके भाग जाता है। इसी राम राज्य की जो आप जिस राम राज्य की बात कर रहे हो, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये घटना है, मैं कोई दूर की बात नहीं, और आपके बांदा की घटना है, और ये बकायदा मानस भाई ने तो बहुत बढ़िया चलाया था उस मुद्दे को। खैर वो बात नहीं है, बात यहाँ पे ये एक सेकंड दूंगा। आपने जो तीर तराजू की बात कही थी वो ठीक है, आपकी बात से सहमत भी हो सकता हूं कि ये विकृतियां रही हैं, लेकिन फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, जिसको आप कहते थे ये मनुवादी है, तो ये करेक्टर में दोहरापन क्यों है? सवाल इस पर आप बात कीजिए कि दोहरापन ये कब खत्म होगा राजनीति से और मिशन से। देखिए, मिशन से दोहरापन कभी नहीं खत्म होता है, राजनीति में दोहरापन आ सकता है। आप ये देखिए, मिशन से भटक गए, सुन तो लीजिए, मान्यवर सुन तो लीजिए, आपको लग रहा है मिशन की है ना, मैं तो कह रहा हूँ कि मिशन की है ही नहीं है। जिस दिन मान्यवर काशीराम के मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ ना कि एक ग्रासरूटर और एक पैरा, मैं एक ग्रासरूटर और एक पैरासूटर, मैं उस बात पे आपको जवाब देना चाहता हूँ। एक ग्रास रूटर होता है, एक पैरा सूटर होता है। जिस मिशन की बात करते हैं
आप मैं माननीय गोस्वामी साहब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस मिशन की बात करते हैं, जो बाबा साहब ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी मनी माइंड एंड टाइम का 20वां हिस्सा सामाजिक उत्थान के लिए हर व्यक्ति को देना है, आज हर व्यक्ति व्यक्तिवादी हो गया है। आप एक व्यक्ति बता दीजिए, एक व्यक्ति बता दीजिए जो IAS IPS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर है, केवल वो टीवी बीबी और अपने व्यक्तिवादी में नहीं फंसा हुआ है। क्या वो बाबा साहब के कुर्बानियों को, केवल बाबा साहब का नाम लेकर के लोग अपना झोली भरने का जो काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं बार बार कहता हूं, तीन तरीके के गुलाम होते हैं, तोता गुलाम, तीतर गुलाम और केकड़ा गुलाम। तो ये तीनों गुलाम जो हमारे समाज के जो लोग हैं वो ये तीनों गुलाम है। भाई तोता लोहे के पिंजरे में रखा जाता है और जो है वो सेब खाएगा और ये जो है बढ़िया बढ़िया चीज खाएगा, और कहीं आपने गलती से तोते के पिंजरे में हाथ डाल दिया और क्रोधित है तो वो आपको काट भी खाएगा। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि तोता जो होता है, अगर उसका पंख नहीं कटा है और पिंजरा खुला मिल गया तो उड़ जाता है। और थोड़ा विश्लेषण कर दूं तीतर गुलाम का, तीतर गुलाम लकड़ी के पिंजरे में रहता है, लकड़ी के पिंजरे में रहता है, उसका मालिक जो है तीतर को जैसे बसवार वसवार या घूर उर होता है वहां खोल देता है तो चरने चला जाता है और खाता क्या है, कीड़े मकोड़े। और जब उसके मालिक को जरूरत होती कि उसको पिंजरे में लाना है तो हाकने नहीं जाता, वो पिंजरे पे ऐसे करता है, ती 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 करता है, फूंकता है, सारे तीते जो है जो मानसिक गुलामी से वो है तो वो लोग सीधे वापस उसी पिंजरे में चले जाते हैं। और जो तीसरा गुलाम होता है केकड़ा गुलाम, केकड़ों का एक नेचर होता है, केकड़ों का नेचर होता है, आप बड़े से किसी भगोने या बर्तन या दौरी ओवरी में केकड़ों को रख लीजिए 10-20 को, एक निकलने की कोशिश करेगा तो दूसरा उसका पैर से पैर फंसा लेगा, कहेगा बाहर कहाँ निकल रहे हो। तो ये जो जो वेदना मैं बता रहा हूँ सामाजिक वेदना, तो ये भरमार है ऐसे गुलामों की इस हमारे बहुजन समाजों में। और जो लोग व्यक्तिवादी हो गए हैं केवल अपने व्यक्तिगत चीज के लिए, मुझे तो ये लगता है कभी कभी मेरे पिताजी कहते हैं यार तुम संविधान बचाने की बात करते हो, इन जो तुम्हारे ही समाज के मनुवादी लोग हैं जो अपने ही लोगों का हक अधिकार छीन लिया, उनका उनका विरोध करना शुरू कर दो तुम। क्योंकि आज समाज जो आरक्षण का, ये बताइए आरक्षण का अब तक किसी ने नहीं चखा है, हाँ, और आप आरक्षण की उससे लड़ाई लड़ाने की बात करते हो, कैसे लड़ेगा भाई वो गांव का गरीब आदमी, क्या जाने आरक्षण। और जो लोग आरक्षण का लाभ लिए हैं वो कहते नहीं क्रीमी लेयर को बाहर मत करो क्योंकि क्रीमी लेयर बाहर हो जाएगी, क्रीमी लेयर बाहर हो जाएगी तो हमारे बच्चे IAS IPS नहीं। अरे क्या जरूरत, आज बताइए ना शेड्यूल कास्ट के ही IAS के बच्चे IAS हो रहे हैं, गरीब का कोई हो रहा है क्या? शिक्षा में जाकर के देख लीजिए ना, शिक्षा की जो बात हम लोग कहते हैं ग्राउंड लेवल पे वो लड़ रहे हैं, जो हमारे शेड्यूल कास्ट के बड़े बड़े विद्यालय बड़े बड़े वो बना लिए हैं, वो क्या वन नेशन वन एजुकेशन जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था उस पर लड़ाई लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो व्यक्तिवादी है, वो व्यक्तिवादी है। ऐसे लोग एक बात बताइए, मैं तो ये चाहता हूँ, यहाँ तक चाहता हूँ कि जो आरक्षित सीटों पर लड़ने की बात, जो बाबा साहब ने पृथक निर्वाचिका का जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे जिसके बदले में यह आरक्षण मिला, मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा मैं दुर्घटना कह सकता हूँ कि ये आरक्षण का लेकर के आज जो लोग आरक्षण का लाभ ले लेकर के खाली जो है वहां पे, आप बताइए ना एक शेड्यूल कास्ट की बस्ती में चले जाइए, एक विधायक ही शेड्यूल कास्ट का हो, वो किस तरीके से सामंतवादी की तरह जो अपने ही भाई से व्यवहार करता है, क्या नहीं है? क्या ये गलत मैं कह रहा हूँ? ये प्रयोगात्मक मैं प्रैक्टिकल में बात कर रहा हूँ कि वही गरीब व्यक्ति आज क्यों क्यों जो है वो जो है उसमें बड़ा कष्ट होता है। एक व्यक्ति पैसा पा गया, पैराशूट से उतर गया, जाके पाव न पटी बवाई ताका जाने पीर पर आई, समाज क्या समाज का विश्लेषण करने के लिए एसी के रूम में बैठ करके सामाजिक विश्लेषण होगा, समाज की आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक विश्लेषण करने के लिए? जी आपकी बात को हम लोगों ने सुना और समझा भी।